राजस्थान की एक परंपरा ही बन गई है शायद। अब जिस भी भर्ती को देख रहे हैं तो गिरोह है पकड़ा, पेपर लीक हुआ, 10 लाख में बिका, 22 लाख में बिका, 17 लाख में बेच रही हैं। अरे बख्श दो महाराजों, बख्श दो। अरे अब तो इसको जाने दो, छठी बार हो रही है, 2019 से अब तक छठी बार रीट की तिथि घोषित हो गई, 2021 में 3 बार, 25 अप्रैल को हो रही थी महावीर जयंती आ गई कैंसल, 20 जून को हो रही थी गर्मी आ गई कैंसल, भाई 26 सितंबर को छठी बार हो जाने दो, हो जाने दो। बहुत लंबा खेल हो गया, इस पे साल 3 हो गया, अब तो महाराजो बख्श दो। ये जो धांधलीबाजी है ये रुक नहीं रही है, क्या हो रहा है ये? एक ये अखबार की कटिंग है अभी जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है, ज्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है और प्रीट के विद्यार्थियों को ऐसी न्यूज वगैरह से बचना ही है। देखो इन ऐसी न्यूज को देखकर आप अपना मनोबल ना गिराए, दी ये ना करना रहे यार ऐसा ही की तरह हो गया तो, अरे कुछ नहीं हुआ, आप ना पॉजिटिव रहिए, आपको ओनली पॉजिटिव ही रहना है और नहीं होने देंगे। दलालों का जलसा देखो आप, जवाहरनगर थाने में केस दर्ज, गिरफ्तारी के लिए पुलिस जोधपुर गई, रीट में 18-20 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, ज्यादा ही हो गया 20 लाख। मीडिया वाली न्यूज भी फिर ऐसी होती है तो थोड़ी बहुत उनमें भी तो नहीं होता है। रीट के पेपर का 100 करोड़ में सौदा, 17-17 लाख में बेच रहे हैं, आधे पैसे एडवांस भी। तो स्पेशल आपसे निवेदन है धांधलीबाजियां करने वालों, अरे गिरोहों, और मैं विद्यार्थियों से भी निवेदन ही करना चाहूंगा, ऐसे फर्जीवाड़े से आप बच के रहे, फर्जीवाड़े से दूर रहो। कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके सबूत अपने पास रखो, आपके नजरों में कहीं ऐसा होता है उसकी वीडियोग्राफी वगैरह जरूर करो और भेजो इस नंबर पे, कोई टेंशन की बात नहीं है, सतर्क रहना है पूरा। और 5-7-10 दिन आपके पास है, अभी मोटा मोटी आपके पास ये 1 वीक है, उस 1 वीक के लिए आप पूरा एकदम बढ़िया एक्टिव रहो, फालतू की न्यूज़ वगैरह पे ऐसा ध्यान मत दो बस। बाकी होगा जो होगा, होगा तो वही होगा जो अपन आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, और विद्यार्थियों से इतना ही आग्रह है कि आप फालतू की न्यूज़ से एक बार बच के रहिए। जय हिंद।